हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा ना छत, इसमें हम रूम निकालेंगे। तो कैसे हम रूम निकाल के दिखा देते हैं, किस तरह से निकालते हैं। बहुत मिस्त्री सोचते हैं छत के ऊपर जो रूम निकालेंगे तो कहाँ पे वॉल लगाएंगे, कहाँ पे जो दीवार खड़ा करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा। किस तरह से दीवार खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे, जो बीच में किस तरह से खड़ा करेंगे। इसको जो कलम वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट किया हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसमें जो बीच वाला वॉल है, वो किस तरह से खड़ा करेंगे, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा। जो रूम का हिसाब है, नीचे है रूम, जितना साइज का है उतना साइज का यहीं पे करना है छत के ऊपर। तो उसको मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से वो उतना साइज इसको ऊपर में उठाएंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं इसके बारे में, पूरा टूटेल दिखाते हैं। यह इंची टेप है, ये इंची टेप के बारे में सब कुछ टूटेल्स बताने वाले हैं हम। तो कैसे हम बनाते हैं आपको दिखा देते हैं, ताकि आप लोग भी करना सीखिए इस तरह से। हम जिस हिसाब से आपको करके दिखाते हैं, ये वाला छत का रूम निकाल के आप लोग भी कीजिए, और छत का ये वाला मतलब जो लेआउट करके हम दिखाते हैं, ताकि आप लोग उस तरह से कीजिए। और ऊपर प्लान बना का हम लेआउट करने का सिखा देंगे, किस तरह से लेआउट होता है छत के ऊपर। तो उस तरह से कर देंगे तो आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए हम इंची टेप है और वो बड़ा वाला फीता है और धागा है, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी साउल का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट किया हुआ है। अगर दोस्तों, अगर प्रॉफिट नहीं रहता मेरा वो छत, तो नीचे वाला जैसा रूम है वैसा ऊपर में निकालना है, तो अगर प्रॉफिट नहीं घुमा रहता तो ज़रूरत पड़ता। तो चलिए, हम मेरा वाल किया हुआ है साइड साइड में, तो मेरा साउल का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंची टेप का ज़रूरत है और धागा का ज़रूरत है, बड़ा फीता भी ज़रूरत है। लेकिन हम एक को रूम निकालेंगे, तो एक को रूम निकालने से हमको इंची टेप से काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा फीता का ज़रूरत नहीं है। ये वाला साइड में रख देते हैं और हम इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आप लोग, ताकि आप लोग भी कहीं से काम करना सीखे इस तरह से। हम जिस हिसाब से करके दिखाते तो उस हिसाब से कीजिए। और दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, जो छत का रूम निकालने के लिए जो पांच तलब फ्लैट जाइएगा आप, तो क्या होगा, पांच तलब फ्लैट में वो आपको नक्शा दे देगा, जो रूम निकालने का नक्शा दे देगा, तो उस हिसाब से आपको निकालना है। तो कहीं पे 10 इंची वॉल रहेगा, वहाँ 10 इंची निकालना है, जहाँ 5 इंची है वहाँ 5 इंची निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे कोई नक्शा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम नीचे रूम किया हुआ ऑलरेडी, नीचे रूम जितना रहेगा उतना ही रखेगा यहाँ पे ऊपर में। तो उस हिसाब से हम आपको दिखाते हैं, नीचे जितना साइज का है उतना साइज ऊपर में करना है। लेकिन जो नीचे वॉल है, उस वॉल का साइज में हमको रहना चाहिए। मतलब क्या होगा, नीचे इस तरह से वॉल है, उसी हिसाब से ऊपर का वॉल रहना चाहिए, नहीं तो साइड में नहीं होना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह से हम निकालते हैं। पहले हमको कैसे निकालते हैं, नीचे वाला रूम क्या है, एक हम रूम नापी किए हैं, यहाँ जितना नापी की जाए वहाँ नापी किए हैं। मतलब ये जो रूम दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला रूम है 10 बाई 10। तो हम चलिए 10 बाई 10 का निकाल देते हैं, 10 बाई 10। और वह जो बालकनी निकला हुआ है वो 2.5 फीट का है, वो जो नीचे झाझा दिख रहा हो अभी बालकनी निकला नहीं है, ऊपर से बालकनी निकलेगा, ऊपर जो होगा रूम तब बालकनी निकलेगा, यहाँ पे अभी झाझा निकला हुआ है। तो चलिए हम इसको बालकनी भी निकाल देते हैं और यह रूम निकाल के दिखा देते हैं। तो पहले क्या करना दोस्तों, देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ 10 फीट ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ 10 फीट है। तो देखिए, हम 10 फीट नापी करते हैं, ये जो वॉल है वो 10 इंची हमको ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी पिलर जैसे दिया हुआ है वहाँ पे, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। तो उससे 10 इंची है, मेरा 10 इंची आ रहा है यहाँ। देखिए दोस्तों, हम नापी के अंदर अंदर 10 फीट, तो आपको अंदर अंदर 10 फीट रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 फीट आ रहा, अंदर अंदर ही इसको यहाँ पे नापी करना है। बहुत मिस्त्री क्या करता है, गलती कर लेता है, यहाँ से नापी कर लेता है,
वैसे करना नहीं है हमको, 5 इंच हम रखते हैं वहाँ पे, 5 इंच वाला है नीचे, तो यहाँ पे 10 इंच रखना है, मतलब अंदर अंदर 10 फीट, तो उधार भी नापी कर लेते हैं, यहाँ पे भी अंदर अंदर 10 फीट नापी कर लेते हैं, तो देखिए किस हिसाब से नापी करते हैं, और भी अंदर अंदर 10 फीट, अंदर अंदर 10 फीट हो चुका है। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अंदर अंदर 10 फीट नापी किए और क्या करते हैं, यहाँ पे धागा मारेंगे, तो धागा मारने से लिए आपको ये धागा बांधना होगा, ईंट लगाना, ईंट लगाइएगा इस तरह से और धागा बांध लीजिए सही करके, देखिए इस तरह से हम बांध रहे हैं, और यहाँ भी धागा से हम नापी करके बांध देते हैं, ईंट बांध देते हैं, देखिए हम इसको जुड़ाई करके नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ ऐसे दिखा दे रहे ताकि आप लोग भी सीखे और आप लोग जुड़ाई कीजिएगा। देखिए उसको क्या करते हैं, ऐसे आप लोग की हम दिखा दे रहे उस हिसाब से आप लोग करना नहीं, आप लोग जुड़ाई कीजिए, नापी करके जुड़ाई कर दी, तो यहाँ पे मसला बिछा लेना है, जब जुड़ाई कीजिएगा एक लेयर मसला बिछा देना है पूरा, और मसला बिछाने के बाद इस तरह से जुड़ाई कीजिए, ऑलरेडी लगा दीजिए, देखिए हम जैसे दिखा देते हैं, ऑलरेडी इस तरह से लगा दीजिए पूरा, पूरा ईंट जो है लगा दीजिए इस तरह से दोस्तों। ये जो वीडियो है पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप हमको दिखा देते हैं आपको, ताकि आप लोग पूरा अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तभी समझ में आएगा, और हम वीडियो देने वाले हैं ताकि देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत सारा काम समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से करना है, सिर्फ हम नॉलेज वाला आप लोगों को काम दे रहे हैं, क्यों ये नॉलेज वाला चीज़ बहुत जरूरी है, ये सब हम दिखा रहे हैं ना, बहुत मिस्त्री क्या कर इसमें ये सब काम में बताते नहीं, जो ऊपर में किस तरह से जुड़ाई होता है, जब ऊपर में जब ठीक कीजिएगा नीचे नीचे जब भी राम रूम किया हुआ है उसका ऊपर में उस साइज का कैसे बनेगा, ऊपर में तो कोई साउल नहीं होगा किस तरह से बनाते हैं, तो कोई नहीं बताएगा इस तरह, हम जिस हिसाब से आपको बता दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं, देखिए हम जिस हिसाब से नापी किए उस हिसाब से नापी करना है। और दोस्तों नापी करने के लिए एक चीज़ बता देते हैं, जब भी आप लोग नापी कीजिएगा बाहर फेस से नापी कीजिएगा, बाहर जो वाल है उस फेस से नापी के जहाँ लेवल रहता है वहाँ से मापी कीजिएगा, तब भी मापी सही होगा, मतलब पूरा बाहर बाहर में एक जैसा करना, बाहर में निकालना नहीं है, अगर छोटा हो जाएगा ऊपर में तो रूम इधर उधर थोड़ा सा कर सकते हैं, 1 इंच 10 mm निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा करना नहीं है, उस तरह से गलती कभी करना नहीं, इस तरह से हम दिखा देते बाहर में कभी, मतलब इस तरफ से हम नापी किए, जैसे हम इस तरफ से नापी किए पूरा रूम निकाल के जाते हैं, उस तरफ छोटा हो गया रूम थोड़ा सा, जो नक्शे फिर पहले बाहर का पूरा चारों पट्टी लेना, जैसे हमको प्राकृत किया हुआ देखिए, तो पहले बाहर का नापी करना, बाहर का लेआउट करना है, पहले छेकन जो है ये छेकन बोलते हैं, बाहर का पूरा ऑलरेडी छेकन करना है चारों बगल में चारों पास, ठीक, उसके बाद रूम का निकालना, तो देखिए इस तरह से करना है, ये पुराना छत है इसलिए पूरा उठा दिया, नया छत रहता तो एक ईंट करके उठाते हैं इस तरह से, तब भी आपको दिखा देते हैं, तो इस तरह से कीजिए, देखिए दोस्तों वहाँ पे छोटा लगा वो छोड़ दीजिए, अभी छोटा मत लगाइए, वो बाद में लगा सकते हैं, और ये इसमें मसला भर दीजिए, मतलब पूरा फाइनल करना है, पूरा मसला भर देना, झाड़ू मार के उठा देना, उसके बाद उधार वाला हम निकाल के देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिखाएगा तो आपका लॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से हम ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाने वाले, उधार वाला दिखाते हैं, चलिए उधार वाला कैसे करते हैं, देखिए ये वाला खोल देते हैं, और देखिए नापी दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इसमें गलती मत कीजिए, दो गलती मत कीजिए, एक गलती जैसे बोल दिए इधर से नापी कर 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 गए और उधर जो रूम थोड़ा सा छोटा हो रहा तो बाहर में निकाल दे रहे हो, और ऐसा करना नहीं, एक गलती मत कीजिए, और एक गलती दिखा देते हैं, हाँ मानते हैं ये रूम जो है 10 फीट,
और जो वो 2.5 फीट रखा हुआ है, ऑलरेडी 2.5 फीट रखा हुआ है, मतलब उसका नापी 3 फीट है, उसका जो है मापी 3 फीट है, मतलब निकला हुआ 3 फीट, तो हम 2.5 फीट छोड़ देंगे। 2.5 फीट जोड़ाई किया हुआ है, देखिए वहाँ पे 6 इंची जोड़ाई किया है, तो 2.5 फीट अरे इधर 10, 12.5 हमको लेना है, 12 फीट 10 इंची हमको, 12 फीट 6 इंची हमको नापी करना है अंदर अंदर, तो हम वहाँ से 12 फीट 6 इंची निकालते हैं, मतलब 10 फीट रूम हमको 10 फीट निकालना है, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए आइए इधर भी दिखा देते, देखिए पहले 2.5 फीट मापी कर लेते हैं, यहाँ से हम 2.5 फीट कर रहे हैं, यहाँ देखिए जब भी 2.5 फीट कीजिएगा इसका बाहर में लीजिएगा, मतलब ये बाहर में लीजिएगा, अंदर कर देंगे फिर अंदर कर दीजिएगा, इसको भी ऐसा ही करना। देखिए दोस्तों उस फेस में आ गया, 2.5 फीट छोड़ दिए, अब क्या करते हैं देखिए, इसको ईंट लगा के नहीं दिखाते क्योंकि हम बताते आप लोग कर देंगे, उसके बाद जैसे हम दो को लगा दिए और इसमें वहाँ दो को में धागा बांध दीजिएगा, इस तरह से धागा बांध दीजिए, जैसे इसको दिखा दें आपको, इस तरह से धागा बांध दीजिए और फिर से ईंट लगा दीजिए, मसला बिछा के ईंट लगा दीजिए, फिर वैसे ही करना है उधार, तो उधार कैसे करते हैं देखिए, रूम का हम 10 फीट रखेंगे, 10 फीट रूम नीचे है 10x10, तो ऊपर में हम 10x10 रखेंगे, और वो जो 2.5 फीट रख दें उसको झाझा, मतलब बालकनी जो 2.5 फीट रख दिए, तो चलिए दिखाते हैं 10 फीट। देखिए यहाँ 8 रहा उतना निकल, ये जो 8 फीट हो गया टेप, इधर 2 फीट, देखिए इधर 2 फीट, देखिए अंदर अंदर हो गया 10 फीट, मतलब हम इसको 10 फीट देंगे वो भी 10 फीट आएगा, ईंट जो है 10 इंची आएगा, जो वॉल जो है 10 इंची आएगा, इस तरह से रखिए, फिर उधर भी रखिए, इस तरह से इधर भी 8 हो रहा है यहाँ पर, और इधर 10, देखिए इस तरह से भी रख दिया, ईंट रख दिया वहाँ पे, वहाँ पे 10, यहाँ पे 10, मतलब 10x10 रूम निकल गया, वहाँ पे हम धागा लगा सकते, धागा लगाने के बाद मसला बिछा के उसको पैक कर दे, उसको पैक कर देते, और यहाँ पे दोस्तों एक गलती किए हैं, देखिए गलती, उस गलती कभी मत कीजिएगा, हम यहाँ पे एक गो गलती किया है, ध्यान दीजिए क्या गलती किया है, आप लोग समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, मतलब वो वाला पूरा पैक कर दिए, उधर भी और रूम है, यहाँ भी पूरा पैक कर दिए, और पैक पैक किया नहीं, मतलब उसको मसला भर के मार दे सकते, लेकिन इस वाल में हम एक गो गलती किया है, आप लोग इस तरह से मत कीजिए, लेकिन हम गलती नहीं किए, लेकिन आप लोग दिखाने के लिए किया है गलती, आप लोग उस तरह से मत किए, इसलिए उसको हम लगाए नहीं। तो देखिए हम एक बात क्या बताते हैं, यहाँ पे मेरा है डोर, यहाँ डोर, डोर को ध्यान दीजिएगा, बहुत मिस्त्री गलती करता है इसमें, देखिए यहाँ पे हमको 3 फीट डोर रखना है, यहाँ पे 3 फीट डोर है, तो देखिए 3 फीट यहाँ तक आ रहा, तो ये ईंट को हम हटा दिए, इसको रूम निकालते हैं, इसको हटा दिए 3 फीट, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत सारा मिस्त्री इसमें क्या करता है, गलती करता है, डोर रख दीजिए वहाँ पे, पैक कर दिया, पैक कर दिया, एक रूम निकल गया, और आगे उस तरह से आगे भी कीजिएगा, इस तरह से करना है।